What is up? My name is Gentleman, और this is a video regarding the last PUBG video that I made. तो कुछ problem हो रहा, लोग बोल रहे थे कि keyboard और mouse config करना नहीं आ रहा था उनको, and कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि Nox player चलाने के बाद screen black and white दिख रहा है, even if they had 2GB RAM and 4GB RAM and a pretty decent CPU. So this is a update video regarding that. तो जिनका PUBG सही से चल नहीं रहा, उनके लिए this is just an update video. Alright, so this is the setting Nox player का जो मैं use कर रहा हूँ. ये है मेरा quad core CPU, लेकिन I am using two cores only for Nox player. पूरा use नहीं करना है क्योंकि फिर CPU lag करेगा, है ना. और 2048 MB RAM use हो रहा है, मतलब allocate किया हुआ है. For example, emulator मतलब समझ लो ये एक virtual mobile phone है. तो क्या है कि ये एक virtual mobile phone है और mobile phone का memory allocated करके रखा हूँ 2GB, ठीक है ना, क्योंकि because 2GB should be enough. और बाकी यहाँ से रेजोल्यूशन अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो नीचे. और उसके बाद देखो कंपैटिबल सेटिंग में मेरा है ओपन जीएल, ठीक है ना. अगर ओपन जीएल में तुम्हारा सही से नहीं चलता है, देन ट्राई द स्पीड मोड डायरेक्ट एक्स, ठीक है ना. तो डायरेक्ट एक्स में क्या होता है कि वो बेसिक सीपीयू का सब कुछ यूज करेगा एंड माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट एक्स यूज करके ही तुमको गेम चला देगा, ठीक है ना. 60 फ्रेम पर सेकेंड रिकमेंडेड है, 60 फ्रेम पर सेकंड से कोई दिक्कत नहीं होगा. सो दिस आर द सेटिंग्स. अगर सही से नहीं चल रहा है तो इन सेटिंग्स को ऑल्टर करके देखो. सो लेट्स मूव टू द गेम और देखते हैं कीबोर्ड और माउस को कैसे मैंने कॉन्फ़िगर किया था. ओके, सो गेम ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये टच स्क्रीन फोन के लिए गेम है, ठीक है ना. तो बेसिकली हर एक चीज मतलब माउस से क्लिक करके ऐसे करके मूव हो रहा है, लेकिन गेम को जीतने के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हर एक बटन, हर एक की, सब कुछ आपके कीबोर्ड के साथ कॉन्फ़िगर हो, है ना. तो पहले तो देख लेते हैं कि सेटिंग्स में क्या करना है अपन लोग को, ठीक है ना. तो फर्स्ट गो टू द सेटिंग. और अगर देखो अगर गेम तुम्हारे पास फिर भी लैग कर रहा है ना, तो ग्राफिक्स में जाके जस्ट चेंज इट टू मीडियम और लो. गेम खेलना ज़्यादा जरूरी है, इसका एक्सपीरियंस वैसा ही रहेगा. लो मीडियम हाई में सब कुछ में सेम ही है ऑलमोस्ट. तो तुम पे अगर सही से चल नहीं रहा ना, तो जस्ट रिड्यूस द ग्राफिक्स, ठीक है ना. आप कंट्रोल्स पे जाते हैं, कंट्रोल्स पे जाने के बाद सिलेक्ट दिस वन द नंबर 3 या लेफ्ट मूवमेंट फिक्स बटन, राइट फायर फिक्स बटन, इसको सिलेक्ट करके कर लेना है, ठीक है ना. व्हीकल्स पे जाना है, जाके नंबर 2 को सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है. दैट्स इट. सेंसिटिविटी वगैरह ये सब मतलब अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना. देखो जनरली क्या होता है, 30-60% सेंसिटिविटी रखोगे ना अपने पीसी में, तो तुमको एम करने में आसानी होगा, तो ये तुमको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा, ठीक है ना. बाकी सब बस यही कुछ है. और देखो पिकअप में क्या है कि जैसे कि पबजी में जानते हो कि कुछ ड्रॉप गिरा हुआ है, कुछ भी गिरा हुआ है, तो पिकअप ऑटोमेटिक है कि या मैनुअल है. तो मैंने ऑटोमेटिक करके रखा है, इट्स प्रीटी कूल. जो ऑटोमेटिक पिकअप कर लो और कुछ मैनुअल रखा तो जस्ट पिक इट अप, ठीक है ना. तो इसको अपने हिसाब से चेंज कर दो. नाउ लेट्स सी कि कीबोर्ड को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो कीबोर्ड को कॉन्फ़िगर करने के लिए ना पहले गेम को स्टार्ट करना पड़ेगा, या एक दो गेम पहले हारनी पड़ेगी, ठीक है ना, सही से कीबोर्ड को कॉन्फ़िगर करने के लिए. लेकिन आई एम गिविंग अ बेसिक आइडिया कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं. ओके, सो लेट्स बिगन द गेम. सो नाउ द गेम हैज़ बिगन, ठीक है ना. हम लोग बेसिकली प्लेयर लॉबी में हैं, जो एक्चुअली पबजी के शुरुआत में जो होता है. नाउ टू कॉन्फ़िगर इट, ठीक है ना. ये मोबाइल फ़ोन के बाद जो बटन है कीबोर्ड, कंट्रोल प्लस 1 दबा के भी इसको एक्सेस कर सकते हो. ओके, दिख रहा होगा कीबोर्ड, दिस वन, क्रॉस के 2 नीचे, ठीक है ना. इसको आई क्लिक्ड, इससे कीबोर्ड एडजस्ट होता है, ठीक है ना. नाउ ये एग्जैक्टली तुम लोग ऐसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है ना. नाउ दिस वन, यहाँ पे शूटिंग, ठीक है ना, शूटिंग को ड्रैग करके यहाँ आना है. दैट मीन्स लेफ्ट माउस बटन टू शूट. डैम इट, गेम स्टार्ट हो गया. सो लेट्स जंप एंड देन डू. सो देखो यहाँ पे जंप आ रहा है, ताकि हम लोग इजीली जंप कर सके, जस्ट क्लिक, जो कीबोर्ड पे गया मैंने, जंप पे क्लिक किया एंड देन प्रेस द जे, ठीक है ना. इसका मतलब जब भी मैप पे आऊँगा मुझको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा, जस्ट जे दबाऊंगा तो जंप हो जाएगा, ठीक है ना. सेव इट, आई एम प्रेसिंग जे, ठीक है, देखो जंप हो गया. ऑलराइट, ये रिलीज में कोई बटन हम लोग असाइन नहीं कर रहे हैं, उसका बहुत एक बड़ा रीज़न है. जब तक ये वीडियो ख़त्म होगा तब तक तुम लोग समझ जाओगे इस पे रीज़न. देखो अब मुझको माउस से क्लिक करके मूव कराना पड़ रहा है प्लेयर को, एंड वहाँ पे ऑलरेडी कोई ड्रॉप कर रहा है, सो वहाँ पे ड्रॉप तो हम लोग कर नहीं सकते, इज़न्ट इट.
वरना सेटिंग में तुम लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन सेटिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि तुम किसी बिल्डिंग या फिर किसी घर के आसपास ड्रॉप करो। क्यों? जल्दी पता लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गिर ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब माउस को सेटिंग करना है, तो मूवमेंट के लिए ये वाला चीज जस्ट ड्रैग करके यहाँ करना है। मतलब W से आप आगे जाएंगे, D, S, A जो भी है अपने लिए सब सही है। ठीक है, नाउ अगेन प्रेस ऑन द कीबोर्ड। ठीक है ना, देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इससे जंप होता है। तो नॉर्मल गेम में जंप होता है स्पेस बार से। ठीक है, तो आई एम प्रेसिंग स्पेस बार। प्रोन, प्रोन मतलब एकदम सो जाना। सो आई एम प्रेसिंग कंट्रोल एंड दिस आई एम प्रेसिंग सी। अपने हिसाब से देखो एडजस्ट कर लेना है, लेफ्ट और राइट। राइट देखो, जे जंप मैंने असाइन किया था इस पोजीशन पे, तो ये जे ही है और ये जे ही रहेगा। राइट साइड में तुमको अगर झुक के देखना है तो जस्ट प्रेस जे। लेफ्ट साइड में देखना है, अपना कोई भी मर्जी का तुम की लगा दो। ठीक है, बी इज दिस शुड बी टैब। ठीक है, कंप्यूटर में टैब से एक्सेस होता है, सो आई एम प्रेसिंग टैब हेयर। एंड बाकी तुमको जितने गेम में, अब देखो अब मैं कीबोर्ड से नॉर्मली कर रहा हूँ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये मेरा माउस है और माउस से ड्रैग करके मैं मूव कर रहा हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस गेम में एक एंटर और एग्जिट शूटिंग मोड होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये क्लिक किया, ये है फॉर शूटिंग मोड। यहाँ देखो लेफ्ट, तुरंत राइट माउस बटन ले लिया। राइट माउस बटन नहीं चाहिए हम लोग को, हम लोग को चाहिए वी। वी दबाया, अब इससे क्या होगा मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। देखो अभी माउस का पॉइंटर दिख रहा है क्योंकि ये मोबाइल गेम पीसी पे चल रहा है, कभी भी ये क्रॉस बटन दबाने का जरूरत पड़ सकता है ना, या फिर मिनिमाइज या फिर कुछ भी नीचे का मिनिमाइज की खोलने का जरूरत पड़ सकता है या फिर कुछ भी, है ना। तो मैं वी दबाऊंगा। अब देखो मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, ये प्लेयर यहाँ पे मूव कर रहा है लेकिन। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, पूरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करते हैं इस चीज़ का। ठीक है, मैं देखो दरवाजे के पास गया, डोर ओपन आ गया। ठीक है, लेकिन डोर ओपन के लिए कोई की असाइन नहीं है, इसलिए मुझको वी दबा के माउस पे आना पड़ रहा है और ओपन पे क्लिक करके दरवाजा खोलना पड़ेगा। ये बहुत प्रॉब्लम है इस चीज़ पे। क्या होगा कि तुम अगर ऐसे दरवाजा खोलने जाओगे तो कोई आगे पीछे से शूट कर देगा एंड इट्स वेरी बैड, है ना। तो यहाँ पे मैंने गया, क्लिक किया, एफ दबाया, मतलब अब एफ से ओपन होगा। ठीक है, एफ खुल गया दरवाजा, कूल। चलो बंदूक भी मिल गया हम लोग को, तो इससे मैं तुम लोग को कॉन्फ़िगरेशन और इजीली सिखा दूंगा। ठीक है, पहले तो दरवाजा अपना बंद कर लेते हैं, एफ ही से दरवाजा बंद होगा, बैठ गए। ठीक है, अब एक चीज करना है, बंदूक को इजीली सिलेक्ट करने के लिए प्रेस वन। ठीक है, बंदूक सेकंड गन सिलेक्ट करने के लिए प्रेस टू। ठीक है, इससे क्या होगा, वन बंदूक डाउन, हाथ में शॉर्ट गन है, हाथ में मशीन गन है। ठीक है, वी अगेन। अब क्या क्या बाकी है इस चीज में, शूटिंग है, सब कुछ हो गया। नाउ वी नीड टू रीलोड। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आर कर रहा हूँ, बंदूक का गोली खत्म होगा, सो रीलोड। ऑल राइट, ये यहाँ पे जाके ये जो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके राइट माउस बटन। ठीक है, सो जस्ट क्या हो रहा है इससे, तो राइट माउस बटन ऐसे एम, इससे एक एमिंग एडवांटेज मिल रहा है तुम्हारे गन को, अगर स्कोप वगैरह कुछ मिल रहा है सो, और कुछ भी उठाना पड़ा तो जस्ट वी एंड लाइक दिस। ओके, और एक चीज जरूर करना है वो है यहाँ पे जाके बी बॉक्स। ठीक है ना, तो क्या होगा कि कुछ भी गिरा रहेगा एंड ऑल, तो तुम बी दबाओगे ऐसे आ जाएगा। किसी प्लेयर को मारोगे, बी दबाओगे तो ऐसे आ जाएगा, बी दबाओगे तो ऐसे आ जाएगा, और उसका तुम मटेरियल वगैरह उठा सकते हो। बी से ओपन होगा, बी से क्लोज। एक और चीज करना बहुत जरूरी है, यहाँ पे जाके यहाँ क्लिक करके एम, कभी भी मैप एक्सेस करना हुआ मैप तो बहुत इजीली कर सकते हो। एक्चुअली ऐसे नहीं, यहाँ पे जाके यहाँ पे क्लिक करके एम करना। इससे क्या होगा कि एम से बंद भी होगा, एम से खुलेगा भी। ठीक है, सो राइडी राइडी, कोई प्लेयर या फिर कोई, जब कोई गाड़ी मिलेगा ना तो गाड़ी में चढ़ने और उतरने का भी सेम तरीके से सेटिंग कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा। लुक आई एम शूटिंग, जूमिंग, चलो गाड़ी भी अपने को मिल गया, सो आई कैन शो यू दैट ऑल्सो कि गाड़ी का कैसे सेटिंग करते हैं। कोई मारेगा मार दे, आई जस्ट नीड टू सेट इन।
ठीक है, तो ड्राइव, ड्राइव में मैंने कर दिया अपर एरो, ठीक है, गेट इन के लिए मैंने कर दिया डाउन एरो, ठीक है, मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा है, आई नीड टू ड्राइव, सो ये लुक कूल। अब गाड़ी से निकलने के हॉर्न के लिए यहाँ पे जाकर तुम एच लगा सकते हो फॉर बेटर, या फिर स्पेस से निकल सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस तो स्पेस काम कर ही जाएगा। एंड एग्जिट के लिए आई एम प्रेसिंग ई, ई दबाऊंगा, गाड़ी से निकल जाऊंगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा ना, हर बटन तुम्हारे अगर कीबोर्ड से कन्फिगर्ड रहेगा तो इससे तुमको एक ह्यूज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, वरना क्या होगा, बार बार वी दबा के क्लिक इन क्लिक आउट मोड से निकलते निकलते ही तुम पूरा गेम हार जाओगे। ओके, सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और कुछ और सेटिंग करना हो और या फिर कुछ और प्रॉब्लम हुआ तो देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो देन सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, सी यू टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। Oh,